गाना उसको घुमा दे दो। मुझे तो ये दिक्कत है भाई कि मुझे प्यास बहुत लगती है और हमारे पास पानी भी नहीं है, तो मैं क्या पीऊँगा? खाने के लिए तो है हमारे पास, बस पानी ही नहीं है। क्योंकि स्टेट में पेंट्री कार तो है, लेकिन पेंट्री कार के जो स्टाफ है वो जनरल कोच में नहीं आते। तो हेलो गाइज, आप सबको मेरा सलाम नमस्ते आदाब और सत श्री अकाल। तो गाइज कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, बस तुम स्वस्थ होंगे। तो गाइज हमारी आज की जर्नी होने वाले कर सकते 2209 मुंबई सेंटर न्यू दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस में, जो कि वीक में दो दिन चलती है, मंडे को और फ्राइडे को। और इस ट्रेन के टाइमिंग के बारे में बात करूँ तो ये ट्रेन रात को 11 बजे यानी कि ठीक 11 बजे मुंबई सेंटर से खुलती है और अगले दिन दोपहर को 3:55 पर हमें न्यू दिल्ली पहुंचाती है। और इस ट्रेन का सिर्फ 3 ही हॉल्ट है, वडोदरा, रतलाम और कोटा। और ये ट्रेन 16:55 में लगभग 1385 किलोमीटर कवर करती है विद स्पीड ऑफ 82 किलोमीटर बराबर। और हाँ गए, इस ट्रेन का जो मैक्सिमम परमिशन स्पीड है वह 130 किलोमीटर बराबर। तो इस सफर में बहुत ही मजा आने वाला है, तो चलते हैं अपने कोच के अंदर फिर। तो दोस्तों अपनी जो ट्रेन है दुरंतो एक्सप्रेस की बगल में लगी हुई है और आज की जो अपनी जर्नी होने वाली है दुरंतो एक्सप्रेस के जनरल कोच में। जी हाँ, आपने सही सुना, इस ट्रेन में एक जनरल कोच भी है। तो चलते हैं अपने कोच के अंदर, फिर अपना इंटीरियर दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं, यही अपने ट्रेन का जनरल कोच। तो ये रहा इस ट्रेन का जनरल कोच, देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। और अपना जो सीट नंबर है वो है 50 नंबर। ये विंडो साइड, ये रहा 50 नंबर, ये देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के अंदर दुरंतो एक्सप्रेस से जनरल कोच का इंटीरियर दिखाता हूँ। तो सामने देख सकते हैं, सामने मिरर वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 40 फुट दिया हुआ है और स्विच वगैरह सब भी है, चैन पुलिंग के लिए। यहाँ पे जो है देख सकते हैं, और यहाँ पर चार लोग इधर बैठने के लिए है। ये ऊपर अपना लगेज रखा हुआ है और साफ सफाई देख सकते हैं, साफ सफाई बहुत ही अच्छी है। चलिएगा भैया, ये जो वॉक भी आप देख रहे हैं इसकी साफ सफाई बहुत ही अच्छी है, फैन वगैरह सब कुछ चल रहा है, देख लीजिए यहाँ पे। यह है इस ट्रेन का जर्नी कोच। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का लोकोमोटिव, वडोदरा से अटका वेब 7 है, लोको नंबर 37287। यही लोकोमोटिव हमें दिल्ली तक लेकर जाएगी। तो दोस्तों ये रही अपने ट्रेन का 3rd AC कोच, सामने लिखा हुआ है AC 3 टायर। तो चलिए आपको मैं इसका भी इंटीरियर दिखाई देता हूँ। तो ये रहा इंट्रेंस और ये सामने गेट खुलते ही हम लोग अंगे स्टेट 3rd AC में। और ये देख सकते हैं, ये रहा इस ट्रेन का 3rd AC का इंटीरियर। तो सामने आप देख सकते हैं, सामने मिरर है और ऊपर यहाँ पे पिलो कवर ब्लैंकेट ये सब रखा होता था, अभी नहीं है देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे खाने के लिए रहा, और ये 3x3 का सीट है इसमें, सामने कर्टन वगैरह सब कुछ है, साइड अपर साइड लोअर देख सकते हैं यहाँ पे। और ये वाकई में साफ सफाई बहुत ही बढ़िया है, AC वगैरह सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, बहुत नीट एंड क्लीन है इसका। और सामने भी देख सकते हैं वो है वाशरूम इंडिकेटर। और यहाँ सामने 3rd AC का जो रखा होता है ब्लैंकेट पिलो कवर चादर वगैरह सब कुछ आ चुका है, अभी कोच के अंदर नहीं गया, गेट पे रखा हुआ है देख सकते हैं। तो ये था 3rd AC का इंटीरियर। दुरंतो जो कि एक बंगाली वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है तुरंत, और सच में ये दुरंतो एक्सप्रेस है, बहुत ही लिमिटेड हॉल के साथ हमें अपने स्टेशन में पहुंचाती है। दुरंतो को जितने भी कोचेज होते हैं ना, ये येलो ग्रीन लिवरी के होते हैं, ये आपको दूर से ही पहचान में आ जाएंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरह का होता है। और अपने इंडिया में अभी फिलहाल 24 पेयर दुरंतो एक्सप्रेस चल रही है, और जो पहली दुरंतो एक्सप्रेस चली थी वो 2009 में चली थी। आपके लिए होमवर्क है, इंडिया की जो पहली दुरंतो एक्सप्रेस चली थी वो कौन सी थी, अगर आपको मालूम है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और मुझे लिख के बताइए। तो अपनी ट्रेन खुलने में सिर्फ 5 मिनट ही रह गए, तो चलते हैं अपने कोच के अंदर, आप फिर आपको यहाँ से डिपार्चर दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली ठीक 11 बजे अपनी जो ट्रेन है वो मुंबई सेंटर से चलिए, इसका डिपार्चर देखिए। उसे कहते आप देख सकते हैं मुंबई सेंटर का जो प्लेटफॉर्म है कितने साफ सुथरा है, आपको अच्छा कलर, आपको अपना फेस भी देख सकते हैं इसके प्लेटफॉर्म पर। और घड़ी में 11:01 हो रहा है। तो दोस्तों
की जो ट्रेन है वो मुंबई सेंट्रल से निकल चुके हैं और अपना जो पहला हॉल्ट है वो है वडोदरा, जो रात करीब 3:30 बजे आएगी और अपने ट्रेन का मुंबई सेंट्रल से वडोदरा के बीच में लगभग 400 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। तो जर्नी में बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई, तो चलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। फिर तो दोस्तों पूरे 653 स्टेशन कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं अपने स्टेशन का दूसरा हॉल्ट रतलाम, जिसका स्टेशन कोड RTM। दोस्तों अपना जो पहला हॉल्ट था वडोदरा वो रात करीब 3:30 बजे करीब आए और हम लोग इतने ज़्यादा थके हुए थे ना कि हम लोग की वडोदरा में आँखें नहीं खुली। हम लोग दो लोग हैं, मैं और सानू भाई, दोनों में से किसी का भी आँख नहीं खुला थकान की वजह से। तो जिसी वजह से हम लोग वडोदरा को कवर नहीं कर पाए। अगर आपको वडोदरा देखना हो तो चैनल पर और भी सारे वीडियो आप वहाँ से वडोदरा को देख सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आपको वडोदरा के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 16 ट्रेनें उज्जैन ट्रेवल करती है। साथ ही साथ यहाँ पे 199 ट्रेनों का हॉल्ट है। और ये जो रतलाम है ये आता है मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट में और रेलवे बाज ये आता है वेस्टर्न रेलवे के रतलाम डिवीजन में। एक तरह से कहें तो रतलाम डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वो यहीं पर है। रतलाम फेमस है अपने रतलामी सेव के लिए और गोल्ड की प्योरिटी के लिए। अपने ट्रेन का यहाँ पे पूरे 5 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल राइट टाइम। तो चलते हैं अपने कोच के अंदर। पे पानी का बोतल देगा रे तू? तो दोस्तों अपनी जो ट्रेन है वो रतलाम से निकल चुके हैं और रतलाम जो है जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है इंदौर की तरफ, एक लाइन चली जाती है चित्तौड़गढ़ की तरफ। और हाँ यहाँ पे ना अपने ट्रेन के ट्रेन मैनेजर और जो पायलट दोनों ट्रेन में है, गार्ड वगैरह सब कुछ। और यहाँ तक हम लोगों ने लगभग आधा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको स्टेशन के व्हाट्सएप मिनट से दिखा देता हूँ। तो सामने देख सकते हैं सामने जो मिरर वगैरह होता है वो कुछ भी नहीं है, फिर बेसिक मशीन कुछ भी नहीं है। और ये रहा सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा लाइट दिया हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे कचरा थोड़ा सा फैला हुआ है। और ये रहा हिंदी स्टाइल और ये रहा वेस्टर्न स्टाइल, आपको दोनों दिखा देता हूँ। वेस्टर्न स्टाइल जो टॉयलेट है साफ सुथरा है, बहुत ही बढ़िया है, किचन यहाँ पर साबुन छोड़ रखा है। और ये जो बेसिन है इसका देख सकते हैं पूरा पानी ऊपर रख रहे हैं, मिरर भी उतना अच्छा साफ सुथरा नहीं है, बाकी ऊपर लाइट वगैरह सब देख सकते हैं। यहाँ पे कमोड साफ सुथरा है। और ये रहा हिंदी स्टाइल, इंडियन स्टाइल इसका भी देख सकते हैं। सामने जो मिरर है ये साफ़ सुथरा है और ये ऊपर लाइट बल्ब चल रहा है। और जो कमोड है वो भी साफ़ सुथरा है, किसी ने यहाँ पे पॉलिथीन एक्सट्रा कर रखा, देख सकते हैं यहाँ पे मग वगैरह सब कुछ है। और ये प्लस बटन है, साफ सफाई अच्छी है, साइड में डस्टबिन में दिया हुआ है। ओवरऑल बोलते इस ट्रेन का जो वॉशिंग कंडीशन है वो बढ़िया है, कोई बदबू वगैरह कुछ भी नहीं है दोनों में। No.
तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कोटा जगदर्शन कोटे के ओ टी ए और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं बिल्कुल राइट टाइम। यहाँ पर तो 6 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 22 ट्रेनें हो चुकी हैं टर्मिनेट करती है, साथ ही साथ यहाँ पे 172 ट्रेनों का हॉल्ट है। और गाइस कोटा फेमस है अपने IIT इंस्टीट्यूट के लिए और ये जो कोटा है ये बसा हुआ है अपने चंबल नदी किनारे और यहाँ का जो दाल बाटी चूरमा है ना वो बहुत ही फेमस है। मतलब कोटा जो है वो राजस्थान में आता है और पूरे राजस्थान का जो फेमस खाना है वो दाल बाटी चूरमा ही है। और यहाँ पे कोटा में खाने पीने कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, यहाँ पे मिलते हैं कचौरी पूरी और पेटीज समोसा सब कुछ आपको मिल जाएगा, चाय वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे। तो दोस्तों यही है कोटा स्टेशन, देख सकते हैं यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन। और दोस्तों कोटा जो है एक जंक्शन है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चली जाती है चित्तौड़गढ़ की तरफ और एक लाइन चली जाती है गुना की तरफ। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे कोटा में पूरे 5 मिनट का हॉल्ट था लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट ही रुकी। इसकी वजह यह थी कि अपनी ट्रेन यहाँ पे 3 मिनट डिले आई थी तो इसको ऑन टाइम करने के लिए 2 मिनट खोल दिया गया। और हाँ जितने भी लोग थे यहाँ पे खाने पीने के लिए यहाँ पे उतरे, सब जितने भी जनरल वाले थे बहुत से लोग नीचे उतरे थे लेकिन कम देर रुकने की वजह से मतलब मैक्सिमम लोग नहीं ले पाए, हम लोग भी कुछ नहीं ले पाए। अभी से अपनी ट्रेन का लगभग 5-6 घंटे का डाउन स्टेट है। मुझे तो ये दिक्कत है भाई कि मुझे प्यास बहुत लगती है और हमारे पास पानी भी नहीं है तो मैं क्या पीऊँगा, खाने के लिए तो है हमारे पास बस पानी ही नहीं है, बस वो मैनेज करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है, चलते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास पानी नहीं थे पीने के लिए, हमने यहाँ पे लिया है 4 बोतल पानी, देख सकते हैं इधर। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है वो मथुरा से निकल चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अपनी ट्रेन का यहाँ पे कोई हॉल्ट नहीं था लेकिन फिर भी अपनी जो ट्रेन है वो यहाँ पे रुकी 5 मिनट के करीब। और इनके पास कुछ खाने पीने के नहीं थे सामान, जैसे पानी कुछ भी जो नहीं था उन लोगों ने यहाँ पे लिया, हमने भी लिया। हमारे पास भी ना कुछ खाने के लिए था ना पीने के लिए। वैसे मैं आपको बता दूँ कि इस ट्रेन में पेट्री कार तो है लेकिन वो सारे के सारे जितने भी खाने आपको मिलेंगे वो सब मिलेंगे एसी वालों के लिए, जनरल वालों के लिए कुछ। हाँ तो मैं आपको क्या बोल रहा था कि जिस ट्रेन में जनरल वालों के लिए कैंटीन की कोई सुविधा नहीं दी गई है तो आपको मैं
ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी कुछ खाने पीने का जो चीज़ें हैं अपने घर से लेकर चले, या फिर बीच पे जो वाडोदरा बतलाम कोटा है वहाँ से फटाफट ले लें, क्योंकि यहाँ पे अपने सीन का 5-5 मिनट का हॉल्ट है, तो आराम से वहाँ से ले सकते हैं। बीच में आपको अगर आप ये सोचेगा कि ये दुरंतो एक्सप्रेस है तो एसी वालों को फेयर में ही कैटरिंग का पैसा वसूल के और उन्हें खाना मिलता है एसी वालों को, तो ऐसे यहाँ पर जनरल में कुछ भी नहीं होने वाला। जनरल में ये कुछ भी सुविधा नहीं दी गई है, बस आप जल्दी पहुँच जाओगे अपने डेस्टिनेशन पर। इसके अलावा और कोई सुविधा नहीं है, कोई पिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं। अगर आप ये चाहोगे तो कुछ पैसे देकर और खाने की मतलब सुविधा ले लूँ, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और ये सेम चीज़ हावड़ा दुरंतो के लिए भी है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हावड़ा दुरंतो में भी सेकेंड सीटिंग का जो कोच है वो लगाया गया है क्या, तो उसमें भी मुझे खाना मिलेगा? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ना आपको उसमें खाना मिलेगा ना आपको इसमें खाना मिलेगा। जो भी है आपको स्लीपर के लिए मिलेगा, थर्ड एसी के लिए, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी के लिए। जनरल के लिए कोई मतलब कोई कैटरिंग की सुविधा नहीं दी गई है। तो चलते हैं, अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं फिर हम। दोस्तों अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और सामने लगी है मुंबई राजधानी, जो सेंट्रल राजधानी जिसे नाम कहते हैं 22222 राजधानी एक्सप्रेस। पूरे 1385 स्टेशन कॉल करने के बाद फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन न्यू दिल्ली दर्शन कोड़े NDLS। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 5 मिनट डिले। मथुरा में आपकी ट्रेन लगभग 50 मिनट पहले क्रॉस की थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर नई दिल्ली आते हैं अपनी ट्रेन जो है 5 मिनट डिले हो गई। उससे 5 मिनट डिले भाई चलेगा। और जर्नी एक्सप्रेस के बारे में बात करूँ, जर्नी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा रहा, कोच की साफ सफाई वास्तव सफाई बहुत ही अच्छी थी। हाँ, लोगों नई दिल्ली ट्रेन आते आते लोगों ने अपने कोच को गंदा कर दिया, लोग पानी पी कर बोतल सीट के नीचे फेंक रहे थे, चिप्स वगैरह जो भी था सब कुछ अंदर ही फेंक दे रहे थे, सब कुछ मतलब लोगों ने ही ट्रेन को थोड़ा बहुत गंदा कर दिया। और हाँ, एक बताओ, अगर आप स्टेट में सफ़र करते हैं खासकर जनरल में, तो प्लीज़ आप अपने खाना पीने का जो बंदोबस्त है वो अपने साथ में लेकर चले, क्योंकि स्टेट में पेंट्री कार तो है लेकिन पेंट्री कार के जो स्टाफ है वो जनरल कोच में नहीं आते। वैसे अपने ट्रेन 5-6 घंटे की नॉन स्टॉप रन है, तो आपको स्टेशन पे भी जल्दी नहीं मिलेगा। जब भी ट्रेन रुकेगी तभी आप ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप अपने मतलब मुंबई से ही या फिर बीच में जितने भी स्टेशन है वहाँ से अपने लिए भरपूर मात्रा में खाने पीने की व्यवस्था कर ले, पानी वगैरह तो खास करके। ओवरऑल जर्नी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा। तो चलते हैं, इस तरह वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अच्छे सब्सक्राइब करें। मेरे साथ ही बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने ख्याल रखें, अपने ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।